तो प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ से आप लोग देख सकते हो, आप सभी की अर्धवार्षिक परीक्षाओं का क्वेश्चन पेपर हमारे पास में आ चुका है। आप सब लोग यहाँ से इसको देख लो और अच्छी प्रकार से समझ लो। देखिएगा, अर्धवार्षिक परीक्षा 2023-24 कक्षा 12वीं का जीव विज्ञान का पूरा क्वेश्चन पेपर आ चुका है। तो आप सभी लोग प्यारे विद्यार्थी इस वीडियो को पूरा देख कर जाइएगा, ताकि आप सभी को पूरा का पूरा आपका जो अर्धवार्षिक परीक्षा कक्षा 12 का जीव विज्ञान विषय का क्वेश्चन पेपर है, ये अच्छी प्रकार से आपको समझ में आ सके और आप सभी लोग अपनी अर्धवार्षिक परीक्षाओं में पूरे नंबर ला सको। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थी, पूरा का पूरा A to Z पूरा क्वेश्चन पेपर बताऊंगा, एक भी क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थी यहां से आपका मिस नहीं होगा। तो चलिएगा, अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं, समझते हैं कि अर्धवार्षिक परीक्षा 2023-24 कक्षा 12 का आपका जीव विज्ञान विषय का पूरा क्वेश्चन पेपर परीक्षाओं में आपसे कैसा पूछा गया है। 101% प्यारे विद्यार्थी पूरा का पूरा रियल सॉल्यूशन लेकर आज हो चुका हूं मैं। आप सभी को जिस प्रकार का क्वेश्चन पेपर बताऊंगा, ऐसा का ऐसा ही क्वेश्चन पेपर आपसे परीक्षाओं में पूछा जाएगा। तो यहां से आप सब लोग देख लो, अर्धवार्षिक परीक्षा 2023-24 कक्षा 12 का जीव विज्ञान विषय का पूरा क्वेश्चन पेपर है, जिसे कि आज हम पूरा का पूरा यहां से हल सहित देखने वाले हैं। तो यहां से आप लोग देख लीजिएगा, समय आपके पेपर के लिए 3 घंटे का दिया जाएगा और पूर्णांक आपका 70 अंकों का होगा। यहां से आप सब लोग इसको इस प्रकार से देख लो, ताकि प्यारे विद्यार्थियों आप सभी लोग अपनी परीक्षाओं में पूरे नंबर ला सको। तो देखिएगा, कक्षा 12वीं का जीव विज्ञान का पेपर है, जैसे कि आज हम पूरा हल सहित देखने वाले हैं। तो देखिएगा, यहां पर आपको सही विकल्प चुनकर लिखने हैं, जिसमें कि 1×7 अंक में आपसे पूछे गए हैं। पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं, बीज का परिवर्तन होता है, बीजांड में होता है, द्विनिषेचन किसके द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, आवृत बीजी के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। तीसरे क्वेश्चन को पढ़ते हैं, ध्रुवीकाई का निर्माण होता है, अंड जनन में होता है। तो यहाँ से पहला का उत्तर बता दिया, दूसरा बता दिया, तीसरे का उत्तर यह आ जाएगा। चौथा क्वेश्चन, मनुष्य में भ्रूणी झिल्लियों की संख्या होती है, तो यहाँ से आपको लिख लेना 4 होती है। उसके बाद में प्यारे विद्यार्थियों अगले क्वेश्चन को देखते हैं कि आगे आपसे कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों आगे बढ़े वीडियो में, उससे पहले आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है हमारी कि अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो, साथ में बेल आइकन को जरूर दबा लो। तो यहाँ तक के सभी क्वेश्चन मैंने आपको बता दिया, इसका राइट आंसर यह आ जाएगा, चौथे का ये होगा, इसका 5वें का ये होगा। 6ठे में आपको क्या करना है, देखिएगा, ट्यूबेक्टोमी का उद्देश्य, तो देखिएगा निषेचन को रोकना ट्यूबेक्टोमी का उद्देश्य होता है। उसके बाद में 7वें क्वेश्चन को पढ़ते हैं, जन्मदर तथा मनुष्य मृत्यु दर का अनुपात क्या कहलाता है, तो देखिएगा इसको कहते हैं जैविक इंडेक्स। यहां तक के सभी क्वेश्चंस प्यारे विद्यार्थियों आप लोग देख लीजिएगा। अब इसके बाद में बाकी के क्वेश्चंस देखते हैं कि आगे आपसे पेपर में किस प्रकार के क्वेश्चंस परीक्षा में पूछे जा रहे हैं। टोटली प्यारे विद्यार्थियों पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर बताऊंगा, एक भी क्वेश्चन यहां से आपका मिस नहीं होने दूंगा। तो देखिएगा, आप आगे आपका पेपर ये रहा, आप सब लोग पढ़ लो। यहां से ऐसी प्रकार के क्वेश्चंस प्यारे विद्यार्थियों आपसे पेपर में परीक्षाओं में पूछे जाएंगे, टोटली क्वेश्चंस बताऊंगा प्यारे विद्यार्थियों, एक भी क्वेश्चन यहां से आपका मिस होने वाला नहीं है। तो देखिएगा, रिक्त स्थानों की पूर्ति यहां से आपको कर लेनी है। वैज्ञानिक मंडल ने वंशागति को कुल नियम प्रतिपादित किए, कितने नियम प्रतिपादित किए, 3 नियम प्रतिपादित किए। दूसरा क्वेश्चन, टर्नर सिंड्रोम में ग्रसित व्यक्ति में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है, 45 होती है। उसके बाद में तीसरा क्वेश्चन, DNA के एक चक्र में न्यूक्लियोटाइड पाए जाते हैं, 10 पाए जाते हैं, UAA UAG, तो देखिएगा कोडोन होते हैं, तो इसको कहते हैं समापन कोडोन, इसको कहते हैं। 5वां क्वेश्चन, इस पृथ्वी पर प्रत्येक 10 जंतुओं में कीट की संख्या कितनी है, 7 है। तो यहां से आप लोगों को 7 यहां से लिख लेना है। जिस प्रकार के क्वेश्चंस प्यारे विद्यार्थियों आप सभी को मैं बता रहा हूँ, पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर आपका परीक्षाओं में ऐसा का ऐसा ही पूछा जाता है। तो इसलिए आप सब लोग यहाँ से इसको पूरा देख कर जाओ, ताकि आप सबको पूरा क्वेश्चन पेपर अच्छे प्रकार से समझ में आ सके। अब देखिएगा, 6ठे नंबर के क्वेश्चन को देखते हैं। तो 6ठे नंबर के क्वेश्चन में आपको क्या करना है, यहाँ से आप सब लोग इसको पढ़ लो, क्या लिखा है यहाँ पर, आपको इसमें से 7 आपको कर लेना था। 6ठे में आपका क्या आ जाएगा, जब एक पारिस्थितिक समुदाय निश्चित समय अंतराल के पश्चात दूसरे समुदाय में बदल जाता है तो इस क्रिया को कहते हैं, तो देखिएगा इसको कहते हैं पारिस्थितिकी अनुक्रमण। उसके बाद में 6ठे क्वेश्चन को पढ़ते हैं, 7वें को पढ़ते हैं, ऐसे जीव जो दूसरे जीवों के मृत शरीर का भक्षण करते हैं कहलाते हैं, तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थी इसको कहते हैं मृत भक्षी, यहाँ से आप लोग इसको नोट कर लोगे। 3रे क्वेश्चन को पढ़ते हैं, सही जोड़ी बनाइए, सही जोड़ी आपको ऐसे बनानी, AIDS, एड्स क्या होगा, STD। इसके बाद में 2रा क्वेश्चन, प्रतिजैविक एलेक्जेंडर फ्लेमिंग। उसके बाद में अगला क्वेश्चन देखते हैं, इंटरफेरोन विषाणुरोधी प्रोटीन होते हैं, एंथेक्स, इसकी जोड़ी जैव युद्ध से मिलान करनी है, TB की जोड़ी मिल जाएगी BCG से। उसके बाद में बायोगैस की मीथेन से मिल जाएगी, दाल फल के पौधों की जड़ों की संख्या, तो देखिएगा यहाँ पे आपको लिखना राइबोजियम। तो यहाँ से आप सब लोग इस प्रकार से इनको पूरा का पूरा देख लोगे और अच्छे से कंप्लीट कर लोगे। उसके बाद में देखिएगा, एक वाक्य फिर एक शब्द में उत्तर आपसे इस प्रकार से पूछे जाएंगे, तो आप सब लोग यहाँ से इनको देख लीजिएगा और पूरा का पूरा इसको कंप्लीट कर लीजिएगा, जैसे कि प्यारे विद्यार्थियों आप सभी लोग अपनी परीक्षाओं में पूरे नंबर ला सको। तो देखिएगा, एक शब्द या फिर एक वाक्य में उत्तर जो पूछे गए हैं आप सब लोग यहाँ से इनको पढ़ लें अच्छे प्रकार से और इनको नोट कर लें। पहला क्वेश्चन, लैक्टिक अम्ल के निर्माण में किस सूक्ष्म जीव का प्रयोग किया जाता है, तो देखिएगा उसका नाम होता है लैक्टोबैसिलस। उसके बाद में 2रा क्वेश्चन, देश के जैव संसाधनों की चोरी डकैती तथा गैरकानूनी दोहन को क्या कहते हैं, तो देखिएगा इसको कहते हैं बायोपायरेसी। उसके बाद में 3रे क्वेश्चन को पढ़ते हैं,
कवक व उच्च श्रेणी के पादपों की जड़ों के बीच सहजीवी संबंध क्या कहलाता है? तो देखिएगा इसको कहते हैं माइकोराइजिया। उसके बाद में चौथा क्वेश्चन, परितंत्र के प्रत्येक पोषक स्तर पर कितने प्रतिशत ऊर्जा का प्रवाह होता है? 10% ऊर्जा का प्रवाह होता है। तो यहाँ से आप लोग इस प्रकार से इसको नोट कर लीजिएगा। उसके बाद में पांचवा क्वेश्चन को पढ़ते हैं, क्या लिखा है? पीसीआर का पूरा नाम लिखिए। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थी, पीसीआर का पूरा नाम क्या है आपको बताना है। यहाँ से आप सभी लोगों को लिख लेना, पीसीआर का पूरा नाम है पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। तो यहाँ से आपको लिख लेना पॉलीमरेज चेन रिएक्शन इसका राइट आंसर होगा। उसके बाद में अगले क्वेश्चन को पढ़ते हैं, क्या लिखा है? यहाँ से आप सब लोग पढ़ लें, छठे नंबर के क्वेश्चन को पढ़ते हैं, क्या लिखा है? यहाँ से आप लोग पढ़ दीजिएगा इसको, अनुवांशिक अभियांत्रिकी में आणविक एसिड की तरह किसका उपयोग किया जाता है? तो देखिएगा इसका राइट आंसर आ जाएगा रेस्ट्रिक्शन एंडियोन्यूक्लिएज, इसका उपयोग किया जाता है। इसके बाद में सातवें क्वेश्चन को पढ़ते हैं, किसी भी कोशिका अथवा जीव की अनुवांशिक रूप से समान प्रतिकृति क्या कहलाती है? तो देखिएगा इसको कहते हैं क्लोन। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थी, यहाँ तक के सभी क्वेश्चन मैंने आप सबको कवर करवा दिए। अब इसके बाद में बाकी के क्वेश्चन ये लिखे हैं, यहाँ से आप सब लोग इनको देखते चले। बहुभ्रूणता को परिभाषित कीजिए, इसके अथवा में आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा स्वपरागण व परापरागण में कोई द्वंतर आपको बताने हैं। इसके बाद में इधर आ जाइए, यहाँ से आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, आप सब लोग इनको देख लीजिएगा। इसी प्रकार के क्वेश्चन टोटली आपसे पेपर में परीक्षा में पूछे जाएंगे, जिस प्रकार की मैं आपको बता रहा हूँ। अब इसके बाद में देखिएगा, कोलेस्ट्रोल क्या है ये आपसे पूछा गया है, एम्प्लाई टेंशन क्या है, यौन शिक्षा से क्या से टेस्टिक्यूल व्यापी क्या है, मेंडल के प्रभाविता को परिभाषित कीजिए, एक संकर क्रॉस को समझाइए, मेंडल ने अपने प्रयोग में मटर के पौधे का चयन क्यों किया, कोई दो कारण लिखिए, उत्परिवर्तन किसे परिभाषित करना है, जीएमओ से क्या से बीटी कॉटन की विशेषता आपको बतानी है, मेटास्टेटिक को परिभाषित आपको करना है। इस वाले क्वेश्चन को देख लो आप लोग। बारहवां क्वेश्चन, जीन बैंक से क्या आशय है, शुक्राणु जनन एवं अंडाणु जनन में तीन अंतर आपको बताने हैं। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थी, यहाँ से जो क्वेश्चंस मैं आपको बता रहा हूँ ना, टोटली ऐसे के ऐसे ही क्वेश्चन आपसे परीक्षाओं में पेपर में पूछे जाएंगे, जिस प्रकार के कि मैंने आपको बताया। अब इसके बाद में चौदहवें क्वेश्चन को देख लें, डीएनए एवं आरएनए में तीन अंतर आपको बताने हैं, औषधि विन्यास क्या है, इसके चार कारण बताइए, जन्मदर तथा मृत्युदर लिंगानुपात को परिभाषित आपको करना है। उसके बाद में देखिएगा, समझात एवं समृद्धि अंगों को आपको परिभाषित करना है, अनुवांशिक रूपांतरण फसलों के उत्पाद में काम आपको बताने हैं। 19वें क्वेश्चन को देख लें, वन हमारे लिए अत्यंत आवश्यक हैं, इस कथन को चार मतों से स्पष्ट कीजिए। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थी, यहाँ तक का जितना क्वेश्चन पेपर आपका परीक्षा में पूछा जाता है पूरा का पूरा मैं यहाँ से आपको बता चुका हूँ, कवर करवा चुका हूँ। तो आप सभी लोग प्यारे विद्यार्थियों अपने पेपर की तैयारी इस प्रकार से कर लो, ताकि प्यारे विद्यार्थियों आप सब लोग अपनी परीक्षाओं में पूरे नंबर ला सको। और देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज प्यारे विद्यार्थियों जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो, साथ में बेल आइकन को जरूर दबा लो, जिससे कि प्यारे विद्यार्थियों आप सभी लोग हमारी आगे जो वीडियो आते हैं वो सभी तक आप तक बराबर पहुंचते रहे। तो आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। तो देखिएगा पूरा का पूरा मैंने यहाँ से आप सबको पूरा पेपर बता दिया अच्छी प्रकार से। तो आशा करता हूँ कि पूरा क्वेश्चन पेपर आपको अच्छी प्रकार से समझ में आ गया होगा। देख सकते हो ए टू जेड क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों मैं यहाँ से आपको बता चुका हूँ। तो आप सब लोग इस प्रकार से अपने पेपर की तैयारी पूरी कंप्लीट कर लीजिएगा, जैसा कि मैंने आप सबको बताया, आप सब लोग इस पेपर को पूरा कंप्लीट कर लें। और चाहे तो आप लोग इसके अलावा और कुछ क्वेश्चन भी पढ़ सकते हो, आप केवल इसी के भरोसे ना रहे, क्योंकि हो सकता है कि आपका सेट पेपर चेंज हो जाए। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, अब इसी के साथ में इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।